नमस्कार, गाजीपुर की दिन भर की सबसे बड़ी 5 खबरों के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं जिले की पहली बड़ी खबर से। बीटीसी संयुक्त मोर्चा के जिला अध्यक्ष अवधेश यादव के नेतृत्व में पदाधिकारियों ने शुक्रवार को संविदा वापस लेने से संबंधित मुख्यमंत्री को संबोधित 4 सूत्री मांगों का पत्र कर जिलाधिकारी को सौंपा। पिछले 4 वर्षों से भी अधिक समय से अनेक भर्तियों के परिणाम लंबित हैं। उनके परिणाम आने के संबंध में कोई जानकारी नहीं है और यदि परिणाम आ भी जाते हैं तो उसके बाद भी संविदा पर नियुक्ति और संविदा आधारित मानदेय प्रतियोगी अभ्यर्थी की उन तमाम आशाओं पर कलंक साबित होगा। चेतावनी दिया कि अगर सरकार जल्द से जल्द इस फैसले को वापस नहीं लेती तो पूर्वांचल संघ आंदोलन को बाध्य होगा। इस मौके पर त्रिलोकी पासवान, जिला प्रभारी शिवम यादव, प्रभुनाथ कुशवाहा, संतोष यादव, निमेश पांडे, ओम प्रकाश ठाकुर, पूर्व छात्र नेता एवं पूर्वांचल अध्यक्ष प्रमोद पाठक आदि उपस्थित थे। जवनिया कोतवाली क्षेत्र के देवदही मोड़ के पास शुक्रवार की दोपहर ट्रक की जद में आने से एक बाइक सवार युवक की दर्दनाक मौत हो गई। दुर्घटना के बाद चालक ट्रक सहित फरार हो गया। घटना के संबंध में बताया गया है कि गहमर थाना क्षेत्र के गोड़सरा गांव निवासी हरिराम यादव का पुत्र लालू यादव, उम्र 32, बाइक से हरपुर में अपने रिश्तेदार के यहाँ गया था। वहां से वापस लौट रहा था। इसी दौरान दिन में करीब 1 बजे देवदही गांव के सामने पीछे से आ रहा तेज रफ्तार ट्रक उसे रौंदते हुए फरार हो गया। सर पर पहिया चढ़ने से युवक की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक युवक बीटेक का छात्र था और अपने माता पिता का इकलौता संतान था। उसकी मौत से उनके बुढ़ाने की लाठी छिन गई। इस संबंध में कोतवाली प्रभारी निरीक्षक राजीव कुमार सिंह ने बताया कि शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। परिवार वालों की तरफ से तहरीर मिलने पर आगे की कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा सेवा सप्ताह चलाया जा रहा है। इसके तहत शुक्रवार को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र देवकली परिसर में सफाई अभियान की शुरुआत चंदौली क्षेत्र के पूर्व भाजपा विधायक शिवपूजन राम ने हरी झंडी दिखाकर किया। इसके बाद परिसर की साफ सफाई की गई। मौके पर पूर्व विधायक शिवपूजन राम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 70वां जन्मदिन 1 सप्ताह तक सेवा सप्ताह के रूप में मनाया जाएगा। सफाई अभियान में दिलीप गुप्ता, मंडल अध्यक्ष प्रवीण त्रिपाठी, गुरु प्रसाद गुप्ता, धीरेन्द्र नरेंद्र, अखिलेश कुशवाहा, पुनवासी राम, रामलोचन राम, हरिहर पांडे, धनंजय गुप्ता, सूर्यदेव राम आदि मौजूद रहे। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति उत्तर प्रदेश के आह्वान पर बिजली के निजीकरण के विरोध में शुक्रवार को भी जनपद में उपखंड स्तर पर 9 स्थानों पर विरोध सभा शाम 4 से 5 बजे तक आयोजित की गई। अधीक्षण अभियंता कार्यालय परिसर में आयोजित विरोध सभा में जिला संयोजक निर्भय नारायण सिंह ने कहा कि केंद्र एवं प्रदेश सरकार ऊर्जा सेक्टर को तबाह करने पर तुली हुई है। ऊर्जा क्षेत्र का निजीकरण उपभोक्ता विरोधी एवं कर्मचारी विरोधी है। इस मौके पर इंजीनियर संतोष मौर्या, सहायक अभियंता शत्रुघ्न यादव, अमित कुमार, अभिषेक राय, मिठाई लाल, सुरेश, सत्यनारायण चौरसिया, अपर अभियंता संतोष मौर्य, अविनाश सिंह, पंकज जायसवाल, रोहित कुमार, तपस कुमार आदि उपस्थित रहे। गहमर क्षेत्र के कर्मनाशा नदी में स्थापित अमौरा पंप कैनाल में 2 पंप हैं जो महीनों से लो वोल्टेज का शिकार हैं। पंप कैनाल से अमौरा और गोरसरा नहर से सिंचाई के लिए जल आपासी होती है। लो वोल्टेज की वजह से पंप नहीं चल पा रहे। इससे सिंचाई के अभाव में खेती पर खराब प्रभाव पड़ रहा है। पंप कैनाल व पावर हाउस प्राइवेट कर्मियों के भरोसे है। इसके चलते स्थिति बदतर होती जा रही है। किसानों ने बताया कि पंप कैनाल पर लो वोल्टेज के चलते मोटर नहीं चल पा रहा। स्थिति में धान की फसल जो फूटने के कगार पर है सूख जाएगी। कहा कि इस समस्या से बार बार संबंधित अधिकारियों को अवगत कराया जा रहा है लेकिन वो ध्यान नहीं दे रहे। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि समय रहते समस्या का समाधान नहीं हुआ तो सड़क पर उतरने को बाध्य होंगे। गाजीपुर की ऐसी और भी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।